बोले हरि राम जी महाराज की। तो देखो सजना, शेर ताराचंद जी ने गांव बार निसरती पेमरे मो और किसा के जगह सुगंधी बढ़िया है जगह सुगुन हो गए है। और कवि झूमरलाल जी महाराज बड़े गांव वाला, आज की कथा है जगी कवि झूमरलाल जी सोनी बड़ा गांव निवासी कुंवरी कथन करूडो है। तो झूमरलाल जी महाराज लिखे है, अरे भड़े घड़े पनी आया लगी वो, ओ पंछी गेरा बोले वो, धर्म जी विद्या क्या हो ये? अरे भरे घड़े पनी आया मिलगी, ओ पंछी गेरा बोले से भरे घड़े पनी आया मिलगी, तेरा बोले वो अरे तुमने भले रातों में हो पिया। मांगीलाल जी महाराज की। तो सेठों ने बड़े घड़े है जो सामने पनियारियां मिली है। आजकल तो आप गांव गांव रेमो घर घर रेमो है जो महाराज कुंतीरा नड़रा कनेक्शन है और बी टेम रेमो पचास पचास पनियारियों घड़े पर घड़ो एर महाराज प्रिंट भैया करती बा। आज है जो आप देखने वास्ते को मिले अब टाबरों ने यूं कह देने के पन टेबरे मो पिनगट साल थी बे पिनगठार जाऊं नहीं कोई भरे घड़े के पनी आजा मिल गई। और खर डावा बोले आ और मारा पंछी है जो को बोलता सुनिया है ए सेठियों पग ठोम करके और ओगनाया है। बोले सुगन तो बढ़िया हुआ है, प्रथम तो जलरा सुगन है जगह मारा जल रेमो वरुण देवता रो निवास है और दूसरे मां पंछी भी बहुत है जगह सुंदर बोल रिया है। तो हो सके अगर बाबे की कृपा हो तो आपनो काम है जो सिद्ध हुए और की सेठ होने थावस बंदियो एर महाराज खाता खाता पौंडा देवना हरु करिया धर्म जला और धर कुंस और घड़ी के खुदरी घड़ी के ढोण देवे पाड़ो के त्रिय कबोण और महाराज नगर झोड़े जो आया है और गांव झोरडे रेमो
जगी भी डूबे रे कनली गेरुड़ी खेल दियो है मोटुडा बे खेलडा मिंद्र रे कनला बट हरिराम जी महाराज ला कई भाईडा एर कई गांव रा और ढोण्यो रा जके महाराज दड़ा दड़ दड़ा दड़ मूंद है जकी कुटिया क्योंकि मारवाड़ रे मो मूंद रो काम हो कई डोरिया काढे एर परयाउ है जको बाणी ने आवतो देखियो एर कियो ठेरो भाई हगलाई बोले कोई बात है बोले रे पाणीओ आवे तो इम कोई नई बात बोणिया तो रोजी नहीं आवे बोले नहीं आज तो कोई बड़ो व्यापारी लागे है एर मारा आपनो माल है जको हैंग खरीद ले जण आप आपरे घरे मा हो जो माल है जको गोख ना करी है कोई के घर डोरिया घणी पड़ी है हां एर कोई के है मूंज घणी है कोई के खेलरिया घणी है कोई के हांगरिया घणी है कोई के ग्वार फड़िया घणी है कोई के फोपड़िया घणी है आपरे घरे मा जो वो माल हो जो मा है जको गोख्यो का जीती ली शेठ सारा समझी नेड़ा आया और जय श्री कृष्णा करियो और पूछो बोले सेठा किसो गांव थारो क्यों सा गांव तुम्हारो सिरोई है सुनियो है बोले क्यों आज ताई मैं तो सुनियो कौन क्यों आज वो पहलो इज नाव सुनियो है तो सिरोई गांव है थारो बोले हाँ तो थारो आप रो क्यों नाव तुम्हारो भाई तारा चंद है कर का भी हरिराम जड़ा भाई ने देख रही क्यों रे वो आपन काल हरिराम की जो कोई बाणियो लागे बोले सेठा थारे बेटे रो काई नाम है बोले रामेश्वर लाल तो क्यों रामेश्वर लाल ने पान लाग्यो है बा विचार करियो बाणी क्यों रे बेटो आपा आया था राम जी महाराज रे कने ए तो पूरे गांव रा ही है जगह जानकार है जादीगर है क्यों हां सा जन बार पूरी बात है जकी पक्की होगी बोले आपा ने राम कियो जो कोई बाणी है जो को दूजो को बोले सेठा दो नाव क्यों मैं थाने और पूछा तेरी स्मृति करिया बाणी देख रही क्यों भाई रीस कौन है क्यों थारी स्त्री रो काई नाम है बोले ज्ञानवंती और रामेश्वर लाल रे स्त्री रो क्यों सावित्री एर सेठ बता तो दिया बाकी दुखी सेठ हो और बूढ़ो आदमी हो और सेठों देख रही क्यों रे बेजो थे जको लुगैरा नाम पूछो थारा कोई नाम है थोड़ी लुगैरा कोई नाम है यार जको हूं काम आयो जको थे मारो काम है जको सिद्ध नहीं होन दियो तो से तारा तंगी बा गांव वाला में काई है जको गिनकर है और काई कह अरे किया क्यों नहीं बेलिया ओ नागोरी बिना थोने वो अरे करिया क्यों नहीं बेल अरे नागोरी बिना थोने रे आ मेला में बोपारी थोरा
बोले हरिराम जी महाराज की, जोशी जी महाराज की। सेठ तारातंद जी देख रहे बोले रे किया क्यूनी बेल नागोरी बिना थोने, अरे के मेले में बोपारी थोड़ा आवता, अरे के जोशी जी ने धवे जाना दुख मिट जावे, एक कलजुगरा अवतारी है साचा देवता। सेठ तारातंद जी मां हरिराम जी महाराज ला भाईडा ने गांव वाला में कहे बोले थे है जो बधिर का थाने भगवान अगर इन मनुष्य बनाया इन अगर दे थाने को बल्द बनाओ तो नहीं तो नागौर रे मेले में ले जार थाने जो को बेस्तार भी पंजा वाला भोपारी आवता तो को थाने खरीदता आखो दिन अड़बावता एर महाराज आखो दिन थाने जो को आकड़िया ठोकता की दिशा होती थारमा क्यों मीन करो बीजी को नहीं बेरियो हूं एक है जो को दुखी आदमी आई हूं जगह थे मारू है तुम्हारा रोड़ पड़ाई है। हाँ एरबो बी रे मोंडे रे होमी जाके एरबो बी रे मोंडे रे होमी जाके बोले रे भाई ना अपन बात तो एड़ी करिए बाप रे हम देख रे क्यों बोले सेठा आलो थाने की हरिराम जी महाराज आलो है जो को झुंपड़ो बतावा सेठ ताराचंद जी क्यों कोई दूत कौन थारी तू कृपा कर ले इति तू हूं आयो हूं तो झुंपड़ो ही हूं है जो को होद ले कोई कोई गांव में कोई आदमी कोई भलो है ही लो हम सेठ ताराचंद जी ने बे हरिराम जी महाराज वाला भाई है जगह हरिराम जी महाराज वाला झोपड़े रे बार ले रे पासे है जो ऑटो हो चौकी अर भी चौकी माथे बैठा करके और अपरी मा हेन करी क्यों डोडा लो बोले काई बात है बोले बात यो है कि ओ हरिराम है जो झाड़ो देऊं दे वास्ते जा सिरोई अर पानी ऊपर सालो पूरो अर क्यों आप 10 20 जना क्यों इरे हाथे हाल जाओ जो को पटे ओ पांच सात दिन रही झाड़ा दही जन महाराज पांच सात दिन क्यों पेटरा हल आपा क्यों जसार का हां यार क्यों ये लॉकडाउन रे मां महाराज कर चिकना से यार का फिटो फिट हगलो और जचगी बोले क्यों नहीं ठीक है बात तो कह ठीक की भाई क्यों आलो घरे क्योंकि मैं तो दो दो तीन तीन महीना हिना नहीं करूंगा हम महाराज घरे गिए है और रगड़ रगड़ एडिया रो मेल उतारियो है खांस खांस पागा बांधी है मक्का साई और तिलक छापा करिया है आत्रे मां डांगा ली है और मोड़े है जगो तार जाल दे गमछा घाले है एर महाराज सोखी तेरे एकदम है जगो कोई जना अभी कंपनी रे मोंज काडी है रेडी रेट हु ए हरिराम जी महाराज ओटे रे माथे आ रहे जगो बैठ बैठ हरिराम जी महाराज ने बाबू माला फेर करके बारे आया और मां भाईड़ा ने पी डाले है जगो एकदम यूं जुड़ा देखिया और हरिराम जी महाराज देख रहे क्यों रे बीरो आज कोई गोगो नी कोई दियाली नी एर महाराज कोई जौन सपानी कोनी एर आज थे क्यों इता है जगह गेरा कौन कर हम भी आओ जन एक भाईड़े है जो मुल कर कियो यूं है भाई बात है आ के तू है जो ओ वाणी हो आउड है सिरो यूं एर थारो आखर दारो है जो पक्को है इरे बेटे ने क्यों तय कियो यूं पान लागुड़ो है ओ थार वास्ते झाड़े रे वास्ते आयो है अर तू इर हागे गांव है जो सिरोई जाही अर मैं थारा भाई आ भाई अर मैं ही है जो बड़ा आला जो पांच दिन क्यों पेट रहड़ है जो मैं ही काडा और तो क्यों मौकी ताबाओ को हरिराम जी महाराज देख कर क्यों रे भेजो ओ बेचारो दुखी आदमी आयो है अर थे है जो पेट हड़ री बात करो ने तो हूं क्यों कटी जाऊं अर ने है जो थने है जो ले जाऊं जन एक भाईडो की तातेड़ ज्यादा भी देख रही क्यों बायोले भीड़ भाईलो बाजे ली कौन बलो गए एर नहीं जावे जन तू मारे खातर को जावे तो बोले हो तो क्यों आज वापन क्यों एडे मेडी में यारा हरिराम जी महाराज क्यों वो मारे खड़ी बड़बड़ तो दही री जाती मार तो कोई एडा करना नहीं कोई मेडा करना क्योंकि तो बाल ब्रह्मचारी है मारे कहीं जरूर थी एडा री कहीं बियाहरी जरूर थी अंबे हरिराम जी महाराज भाईडा ने गिंडकार बटो हरिराम जी जो काडिया एर का शेर तारातंद जी मन में विचार कर बैठो बाबू रिशा मर गया है अब जे हालता नहीं तो इको आले आ भाईड़ा है जो आने गड़बड़ कर दियो मामलो जन हाथ जोड़ करके और सेठ तारातंद जी क्यों महाराज बड़ो ही दुखी आदमी हूं ए मारे बेटे ने पान लागियो है और मैं अठे है जो आप री शरण में आयो हूं और क्यों बाबा है जो थे हालो हरिराम जी महाराज देख करी करे भाई भगवान राम जी मर्यादा बांधी है तो भी मर्यादा माथे आपने भी बेमनो पड़ी जदि कुछ कार्य सरी नहीं तो सरे कौन तो हरिराम जी महाराज कोई कह है अरे रघुकुल रीति से तारे चली आ
बोले हरिराम जी महाराज की। हरिराम जी महाराज देख रहे हैं, बोले सेठों भगवान राम जी ने क्यों मर्यादा लगाउड़ी है के रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वतन नहीं जाई। मैं माया बायर सामने है जो नटियो और क्यों अब हूं है जो आलू तो को आप में अठी है जो झाड़ो लगा हूं और जाओ क्यों थारो बेटो है जो क्या रूपी बीमा थार कोई है जो फर्क कोनी। हनुमान जी महाराज करी बले आज अला बोपा है जगह आई कहे चिंता मत करो मैं करता मैं कह जगह हूं कि कोई आकर ई बात नहीं गिरा खनी चाहिए आ को किन भी नखत बना कर दही हरिराम जी महाराज कर दही हनुमान जी महाराज कर दही है आई कह के चिंता ना करो के मोरी शरण में आ गया तो मैं जड़ी लेट करदा जन पर थोती मोलनी सही है। तो अब हरिराम जी महाराज शेर ताराचंद जी ने सामने बैठाया है ओ आप मोर रो पंखियो लियो है और आत्रे मो धुनरी बबूती लिए और बबूती लेर के सर्प नहीं खायो है सर्प नहीं खायो है और सर्प नहीं खायो है तीन बार क्यों जन बौनियो हाथ जो रूप हो क्यों क्यों महाराज बोतर साधरो आदमी क्यों थोड़ा के झूठ थोड़ी बोली बाबा आ तू हेम दी क्यों बेड़ जिया मारो झाड़ो ही है साबरो है। हनुमान जी महाराज रू नाम लेकर के और बार धुनरी बबूती ले और गम शेर मां बबूती बांधी और क्यों आप बबूती है जिकी पिला गई जा थारो है जो वो बेटो एकदम रेडी रेट हुई एक तो देख खत्म उड़े तो भी नहीं जो जिंदो होनी पड़ी। हनुमान जी महाराज री आन है। अब शेर सारा तंदीरो माथो ठिणक्यो भाई राख बांधी है राख हुई की वेजन तो महाराज घर 50 गाड़ा पड़ी है सोरे नी क्यों पूरो राख रे मो कर दो पण क्यों बोलो बती राजा जोगी अगन जल जोरी उल्टी रीत के डरते रे वो फरस राम में थोड़ी पाले है प्रीत अरे के जल जोगी जमराज अग्नि से अलबत डरना अरे भूल चूक महाराज भरोसा कदे न करना क्योंकि मुंह जुड़ो माथो और बाहर जुड़ो ओख तो वेदन महाराज बिरु घणो ठा को बन बिकितो कोणी में। अब शेर तारा चंद जी बटो रवाना वे है ओ नगर जोरडे हूं बारे आया है और खता खता पौंडा दिया है अरे महाराज गांव सिरोई रे गोर में आया है जन ए भोलिया टाबर जका गोनो चरावे नी जका ए है जको होमा मिलिया है क्योंकि भोलो सेण है जको दुश्मन दी गर्द हार दिया करे और बे छोरा देख करके और सेठो ने के बोले सेठो थे अटक्यो फड़ा पटको अर थारो बेटो भी क्यों काली वरियो बंदी मुठी के लियो छोरो अर महाराज सेठो रे पगो रे गाट्यो बंदगी और सेठ मठी है जको बैठ गया और शेठ मां छोरों ने कह रही छोरों अरे लारे माने राख मिल गई ओ आ आगे राख मिल गई ओ लारे माने राख मिल गई अरे आ आगे राख मिल गई रे अरे ये सुगन पलावू मने हो महाराज की जोशी जी महाराज की
सेठ तारा चंद जी देख करके फिर बोले छोरा बी राम जी झोल डाले बावन राख बांधर दी गमछीर मां क्यों बी टेमर मई मारो है जो को माथो ठणी क्यों भाई राख बांधी है छोरो बते कौन लागे पण क्यों घरे तो है जो को जावणो है भाई किने दोष है किस्मत रा दोष है। तो सेठ धीरे धीरे है जो को महाराज पगिया मेल तार घरे आया है और सेठ है जो को फल से रे बारी पेश किया क्योंकि मां बड़ी जूट कौन पगोरा घाटिया बंद की बेटे जड़ी चीज महाराज गांव वाला 20-50 भिड़ा उड़ा होता एर बा सेठ ने आउड़ा देखा और बा सेठ रामेश्वर लाल रे स्त्री सेठों रे बेटे री बहू सावित्री है जी दौड़ करके आई और रोती रोती आप प्रसूसर ने पूछे के अरे राम जी महाराज दादू आए हैं कहीं बोले बेटा आया को तो थान की दियो बोले दियो कहीं है राख दिए राख घर 50 गाड़ा पड़ी है बोले नहीं ससुरा जी विश्वास करो थे आ बाबे री संजीवनी बूटी है आ राख को है ऐसे चिंता मती करो आते मन जलाओ तो इन्हें अंबा सावित्री बाबेरी है जी रिक्शा लेकर के और घर में आई है और स्टीलरी एक साफ कटोरी मंगाई है और गंगा जल लेकर के और बाबे जी देवड़ी मुंटी है जगी सुगंधी ने जगो घोलने लगी है जनबे कई घराना बेटा और कई गांव वाला बेटा बा देख कर क्यों काई करे है ई मरुड़े आदमी ने क्यों तू है जो को राख पावे है अरे क्यों थारो बाप ओ है जो को राख सुधी एर गांव वाला ने क्यों भगला ने गांव खाली कर दही एर हारे हारे राय क्यों एरिया खाली कर दही ओके पड़ाई हुए थे एक पोकल रे माई क्यों भेरू राख सुयो जो को बारे रे बारे सोई सोसरी भौरे मां भी की छोड़ियो कौन तुम तो महाराज को अवतारी रामदेव आयो भगवान स्वयं श्री कृष्ण जन भी पेरी रुहे जो पापो का जियो बाकी महाराज इन क्यों कोई बांधणी बोला दे भी सावित्री देख कर क्यों के जके ने ज्यादा डर लागे है नहीं बे आठ उन चला जाओ वाह महाराज बेल ने तो कुछ करो ही चाहिए जाओ बे गांव वाला हाथ जगा तो बटू है जगा त्रिकंदते समर्पयामी हो गया ए बां घराला देख करी करो बैठे तो थारा जाओ पण हमें तो कट जावा महाराज ओ पेल पोत के उठ तो पान है जो मानी डली गई एरवा सावित्री है जकी हनुमान जी महाराज रो नाम सुमरण करे है और श्रीराम जी महाराज रो नाम सुमरण करे है और आप रे पति ने बा बावेरी है जकी बहुती रक्षा है जकी पावे है और केवे है देखो अरे पियो मारा ससुरा जी थे अरे पियो मारा प्राणपति थे ओ आदा दे जीरी दवाई वो अरे पियो मारा प्राणपति थे अरे दादे जी दवाई वो
बोले हरि राम जी महाराज की। तो बात सावित्री के पियो महारा प्राणपति के आए जो को दादे जी दी गवाई। अरे थे के सुरगा ने कियोड़ा पाछा आवश्यो जोशी जी ने जावे जोरा के दुख मिट जावे। एक कलजुगरा अवतारी है साता देवता तो एक चमच पाई दूसरो चमच पायो और तीसरो चमच पायो और हरिराम जी महाराज री और हनुमान जी महाराज री दोनों री है कृपा दृष्टि चालू हुई। सेठ रे बेटे रे माथे और महाराज बे पगोड़ा अंगूठा है जगह धूलना हरु हुआ हर का बे घराला बेटा जगह भई है जो फड़ा फड़ा हो गया। हाँ भई ओ तो हुई जुई है जो को भी एक ही दम आलस मोड़ अरड़गणी बैठो यो अरे बे घराला ही है जो को पाठा पक दे गया। कोई भीतो मात कर कोई बाड़ो मात कर रोड़ो करियो रे क्यों यो 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 सा राक्ष हो गयो बे तो उन्हें राक्ष रो रोड़ो करे है और उन्हें सेठ रे बेटे ने अरे राम जी महाराज री और हनुमान जी महाराज री कृपा जीवन दान मिलियो है। जे हरिरा के साईया और बिन मार सके नहीं कोई पालन बंका कर सके तुझे जुग बेरी हो। देखो सजना भगवान जके ने बसावे ने जगो कुल संसार में मारनी हो एर मारा सेठ रे बड़ी भारी खुशी हुई है। और बा सावित्री आप रे सुसरे जी ने कहीं कहे है अरे चलो महाराज ससुरा जी ओ नगर झोरने चलो अरे चलो महाराज ससुरा जी ओ नगर झोरने चलो जी रामेश्वर लाल रे परचेरी रिकॉर्डिंग गुरु कृपा साउंड ताराचंद जी सोनी सिंज गुरु वालों री आठवीं मलिया करे ई कथा रे गायक सोला राम सोनी सिणियाला निवासी और ढोलक में साथ दिए भाई शंकर राणा देसलपर निवासी और ऑर्गन पर मुकेश सिंधु थोड़े गौर हुई टाबर है माथे हाथ रख दिया करो भाई और ऑटो पेड रे माथे एपी बेरासर निवासी और इन्हें मारे गाने रे मौत साथ दे रिया है थोड़ा राम दी सोनी बेरा सराड़ा है सुदन दिए और सिंधु गांव रारो आप लोग रो भी सभी रो सहयोग है साथ में। अरे और बाल कलाकार भी साथ में है रामदेव सोनी श्री गोपाल सोनी और विशेष सहयोगी मांगीलाल जी सोनी सिंध गुरु वाले और इन्हें अपने धर्म जी सिंध गुरु वाले हो जोई जोई हमें जोरा अरे दुख ना जाते वागो अरे जो
जोई जोई धामे जोरा टुकड़ा काटे बाबो सावित्री आप होर ने कहे के हुजूरा जी मैं एड़ी एक है जो को मन्नत ली है के आपो गांव जोरडे में जाकर के और पानी पियो ला हां बाबे रे जो को धोक लगा करके पछि पानी पियो महाराज सालो महाराज सुसरा जी के आपा नगर जोरडे चला अरे के जात लगा एर पानी पीसिया अर जोसी दिने धावे जोरा के दुख मिट जावे एक कलजुगड़ा अवतारी है साचा देवता तो अब सेठ सारा तुंजी पांच सात है जगह रेखड़ा मंगाया है अब वाला तीन दिन हुगन जी पूछो नहीं के रेखड़ा कोई चीज दिन आने कोई था भाई रेखड़ो किन के तार दिन तो कोई था ध्यान लो हां बस सारी सराका होया करती और लकड़ी का पेड़ा होया करता एर नागोरी बड़दा ने जोड़ करके और लोग सफर करया करता क्यों सुगन जी कोई साधन हो हम पांच सात रेखला जोताया है और शेख सारा तुम जीरो पूरो परिवार एर पांच सात है जगह सातरे मां भाई बंद एर नगर है जगह झोरडे जारिया है और शेख सारा तुम जी श्रोमणी सब सुन आगे है जो बैठा है और नगर झोरडे रे मां जो ढुका भी हो एर महाराज पे हरिराम जी महाराज वाला दे भाईड़ा है जगह बाण तो काम ही कोई हो बा गेरू भी खेल डर नीचे दड़ा दड़ दड़ा दड़ बे मुंह जाला है जका मोदिया कुटे बा कियो रे भाई आज रेखड़ा आवे है अरे कोई गांव रे मां काई बात है इता रेखड़ा क्यों एक हाथे की आया है जण बे सामने जावे है और सामने जावे तो सेठ सारा तंदी सबसे आगे बैठा है और जार पूछो क्यों किया सेठा सारे बैठे रे क्यों मारे बैठे रे सारे एकदम है जो जड़ी रेट है के क्यार है हरिराम जी महाराज जी क्यों कृपा हूं जीवन दान मिली है हमारे बेटे ने अरे बे भाईड़ा राजी हुआ बोले रे आप हरिराम है तो भाई चमत्कारी तो अब बे भाईड़ा मारे गे मां सेठा ने समझ आवे है बोले सेठा थाने क्यों में है जो पहली हमजादा बात बोले काली बात बोले हरिराम जी महाराज रे हनुमान जी महाराज रो क्यों इष्ट है अरे हनुमान जी महाराज कहूं राजी हुए है हवा मणि जगो आमने आटे क्यों चोखी तरह सवा मणि कणो बावेरी ए मैंने खण ताई है जगो ब्रह्मपुरी चालन जो क्यों एकली बांधे क्यों भई उन्ने तो ताबे आई कोन पण उन्ने मैंनो कण हलका गया हां जण सेठ सारा तन जी देख रही क्यों भई ठीक है आप लोग सब के ओ जीव करूं मारे तो है जगो तेरे हजार ये जगी बोलवा है और बाबू हरिराम जी महाराज और क्यों थे लोग है जगह के हो जो है जगो जरूर है जगो हुई अब बे भाईड़ा हरिराम जी महाराज वाले बड़े झोपड़े ले गया है और हरिराम जी महाराज रे भोक लगाई है से परिवार से तारा तंगी और बड़ा भारी खुशी हुई है और बाबे रे आगे है जगो महाराज लंबा हो और प्रणाम करियो क्योंकि महाराज बेटे ने जीवन दान दियो बाबे हरिराम जी महाराज ने उद्देश्य बड़ी मोटी बात कही हुए ओ खुशी रास्ते थारे आंसू चाले है बोले बाबा आज अगर जे इस संसार में मैं रखने नहीं आऊं तो तुम्हारो बेटो महाराज वतन कट जागा ही तो सेठ तारातंद जी ने आशीर्वाद दी है बाबा हरिराम जी महाराज ओ अब वे भाईड़ा अपनी मां हो तो हरिराम जी महाराज ने क्यों बोले हरी बोले हाँ भाई बोले इस सेठ है थारी कृपा है जो को बेटे ने संजीवन दान मिलियो है इरी बोलवे है तेरे जारी प्यारी भाई जो किया विचार है थारो कहीं करा
थारे इष्ट क्यों हनुमान जी महाराज रो है जो मैं तो स्वामणी क्यों ते करी है। जन राम जी महाराज विचार करियो मैं और बेरो ने की नहीं खड़ा हो जन महाराज ए दुराशीष दे जन क्यों ठीक है सा स्वामणी कर दो बढ़िया वा बा स्वामणी है जी की जूई ते करी एक बार मई एक की भाईड़ो है जो पुछमा थी ज्यादा हो दी दे करी क्यों यहां हीदा किया जीमा क्यों क्यों काई बात हुई हीदा बचती है आंटा हीदा किया हुआ है। राम जी महाराज बोलिया बोले यहां सीधा दीमा कोनी माने की है जो को दौत गसाई दो होनी जन जीमा है नहीं जनी तू हेटो थारो ओ हरिराम जी में थे जीमो मान जरूरत को मान की दिखना देनी पड़ी। जन हरिराम जी महाराज की आ बात थे गलत करो राम जी महाराज ने रीस आई राम जी महाराज क्यों सेटा आपने ने तो आठ क्यों स्वामणी करनी ए ना अन है जो क्यों घोरो ही तकाओ ए रिपिया थे है जो को नागौर गौशाला में ले जाकर के और क्यों पट लगाओ से तारा तंजी देकर क्यों बोले बाबा गौशाला में लगा तो आपकी कृपा घर में है जो वो लक्ष्मी रो निवास है और लगा पर इतने हजार रुपया है जगह झोरडे नहीं बोलवा है तुम्हारा ती नगर झोरडे में लगा देखो पंडितों ने आपों ने देनी सही जाए दौत के सही सा हाँ दक्षिणा दी बिना आप माने भोजन करावानी तो आप लोग को है जो को फलीभूत को बेनिशा ब्राह्मण ने हाँ कई थोड़ी जी वो आप अपनी खुशी में देवा सा और देनी भी चाहिए दे। भी बिना आप और वो फलीभूत को बेन मान्य को बेनिशा बिल्कुल भाई चारा ना वेर से इस पैसा ही वे पर दक्षिणा जरूरी हुए हो तो अब इन्हें सेठ तारातंद जी देखकर क्यों बोले सेठा हरिराम जी महाराज ने क्यों बोले महाराज बाबा ई गांव जोरडे रमा क्यों आज ताई है जो को धोलो नाम रोकटी क्यों गुगलो ही कोई क्योंकि लोग तो हगड़ा है तो ढोना मरे होता है बड़े झुंपड़ा रहे जो को महाराज डूंडा भी दिया यही होता है पेल पुरत रमा है जो की महाराज अगर जोरडे रमा और सिरोई वाला सेठ तारातंद जी है जो की धर्मशाला बनवाई आज तो देख लो बाबे रुबड़ो भारी है जो तगड़ो काम है बाबे रा परता ही घणाई है और आज पांच समय दिन है जो बाबे रो मेलो भी बहुत तगड़ो लागे इस तो लॉकडाउन रे वास्ते पण महाराज लाग्यो थो पण भी तो को लाग्यो तो ई डाल रो परसो हरिराम जी महाराज पेल पोतरे मां एर सिरोई वाला सेठ है जो ताराचंद जी दियो ई तो मोटो परसो आजकल तो बाबेरा हजारों परता है महाराज अगर दे भगत कोई धूप यो लेर उबो वे तो बाबू भी सके हाजिर हुए है बाकी झूमरलाल जी महाराज बड़े गांव वाला तेरे मोरे होनी जी कोई है जो को बाबेरो छावली रो कथन करियो है ए कभी कोई कह अरे दूध सडा में ओ पता सा चट जावे बाबा पता
की जोशी जी महाराज की। झूमरलाल जी महाराज कहे के दूध चढ़ावे और दही चढ़ावे, अरे बाबे रे के पत्ता सा चढ़ जावे, अरे ओ भगू वालो झूमर गावे है प्रेम सु। जोशी जी ने जावे जाना के दुख मिट जावे, तो एक कलजुगरा अवतारी है साचा देवता। तो देखो प्यारे सजना इन डालो पर तो हरिराम जी महाराज है जो सिरोही वाला शेख सारा चंद जी ने दियो। बोले हरिराम जी महाराज की, मांगीलाल जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की।